एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू n × n+1 × n+2 इज इक्वल टू n × n+1 × n+2 × n+3 अपॉन 4। सॉल्यूशन, लेट पी एन बी, पी एन क्या है मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। वैसे तो आप ये भी लिख सकते हो पी एन इज इक्वल टू दिस और वो प्रूव करेंगे उसकी वैल्यू आई, पर हम यही ले लेते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का यूज़ हो जाएगा। फिर 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन n × n+1 × n+2 इज इक्वल टू n × n+1 × n+2 × n+3 डिवाइडेड बाई 4। सो स्टेप फर्स्ट, हमने यहाँ पर कंसिडर किया लेट n इज इक्वल टू 1, उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू को 1 पुट करें, यहाँ 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 × 2 × 3, इसका मतलब केवल जो पहली टर्म है वो LHS में आएगी, 1 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। आप देखिए राइट हैंड साइड, इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 1 × 1 + 1 = 2 × 1 + 2 = 3 × 1 + 3 = 4 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 6। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फॉर n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स हमारा पी वन जो है वो होल्ड करता है। स्टेप टू, लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने मान लिया कि हमारा जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। दैट इज 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n की वैल्यू को k पुट करोगे, k इंटू के प्लस 1 × k+2 दैट शुड बी इक्वल टू k × k+1 × k+2 × k+3 डिवाइडेड बाई 4। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसका यूज करेंगे आगे। स्टेप थ्री, वी विल शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें n की वैल्यू को k प्लस 1 पुट करना है, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 × n की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे k प्लस 1, सो k प्लस 1 + 1 दैट इज k प्लस 2, नेक्स्ट में पुट करेंगे तो k प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन। इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म है वो यही आएगी, k × k+1 × k+2 प्लस ये जो टर्म है वो है हमारे पास k+1 × k+2 × k+3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो सम है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू हमें दे रखी है k × k+1 × k+2 × k+3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस k+1 × k+2 × k+3 डिवाइडेड बाई 1। इसका एलसीएम लीजिए, 4 है, यहाँ पर रह जाएगा k × k+1 × k+2 × k+3 प्लस ही हो जाएगा 4 × k+1 × k+2 × k+3 विच इज इक्वल टू, ऊपर से k+1, k+2 और k+3 कॉमन आ जाएंगे, k+1 × k+2 × k+3 कॉमन आ गए, यहाँ तो रहेगा k और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, अब राइट हैंड साइड,
उसमें अगर एन की वैल्यू को के प्लस वन पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू को के प्लस वन पुट किया, फिर के प्लस वन दैट इज़ के प्लस टू, फिर के प्लस थ्री, के प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। हेयर आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, देयर फोर पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, देयर फोर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हेंस प्रूव्ड।